All right, hello guys. Welcome to today's podcast. I thought we will do something new आज ट्यूजडे के एपिसोड में, क्योंकि हमने देखा, मैंने देखा खासकर एटलीस्ट कि पिछले हफ्ते अर्थ फेस्टिवल चल रहा है, काफी उसकी एंगेजमेंट हो रही है, तो मैंने सोचा हम लोग भी इधर एक अर्थ फेस्टिवल चलाने की कोशिश करते हैं। ये प्रेजेंटिंग मेड इन चाइना अर्थ फेस्टिवल है ये, तो होपफुली आप लोगों को फिर भी पसंद है। एंड टू जॉइन मी फॉर दिस पैनल डिस्कशन हमारे पास AKTK के अनुज हैं और डो पॉलिटिक्स के अजीत भारती हैं, तो वेलकम आप दोनों को। नमस्ते, थैंक यू। अच्छा यार अजीत, तुम ही से शुरू करता हूं मैं, क्योंकि तुम्हारे से ही रिलेटेड आजकल थोड़ा न्यूज चल रहा है ट्विटर पे। मैं तुमसे भी ये ऑफलाइन भी पूछ रहा था, अब ऑनलाइन भी पूछ ही लेता हूं कि तुमने करेक्ट किया मुझे कि 4 करोड़ केस अभी पेंडिंग चल रहे हैं कोर्ट सिस्टम में, लेकिन कोर्ट सिस्टम को अजीत भारती में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो आप बताइए मुझे कि 4 करोड़ से केसेस से ज्यादा इंटरेस्टिंग आप ऐसा क्या कर रहे हैं? एक तो ये है कि, और ये बात मुझे बहुत सारे जुडिशियल ऑफिसर्स ने और लॉयर्स ने भी बोला, जब मैंने पहला रोस्ट किया था जून में 29 जून को किया था, और उसके बाद फिर सितंबर में आके 75 दिनों के बाद मुझ पे कंटेम्प्ट के लिए फर्स्ट कंटेम्प्ट का अलाउ किया था अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने, तो उस वक्त भी लोगों ने फोन किया था, बोला था कि ये कहने की क्षमता पूरे देश में किसी में नहीं है। मतलब हम जब भी जुडिशरी की बात करते हैं तो इनफैक्ट आप प्रोफेट मोहम्मद के बारे में कुछ बोल दो, लेकिन जुडिशरी के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते। ये हमने, आपने, सबने फील किया। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा था उस वीडियो में, या उसके बाद 5 और मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट टाइप के ही वीडियो किए हैं उनको क्रिटिसाइज करते हुए, मैं इसलिए नहीं बोल रहा था कि इसका कोई नहीं करता है, मैं करूंगा, नहीं। It came up very naturally to me that one must speak about it. हम इनको जो है, we cannot just let them be. इनका जो मन में आ रहा है वो किए जा रहे हैं, अजीब गरीब मतलब आदेश आ रहे हैं, कुछ भी आप, और जो एक बायस है, और बायस मैं जजों को नहीं कर रहा, लेकिन जो जज बैठ के अपने सामने जिरह में दिवाली का पिटिशन जो है वो सुनता है और लॉर्ड स्पीकर पे तुमने आदेश पारित किया वो फॉलो नहीं होता है, नमाज तो पब्लिक ऑर्डर जो है वो सड़कों पर ही जाती है, तुम उस पर कुछ नहीं करते हो। 22 साल केस चलता है याकूब मेमन पे, 3 बजे रात में तुम खोलते हो अपने दुकान के दरवाजे, अब दुकान ही मैं कहूंगा, वो कोई न्याय का मंदिर नहीं, वो दुकान है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो कुछ पैसा और आपको अपने मन माफिक आप चाहते हैं कि आपको जो है प्रोडक्ट मिल जाए, तो आप न्याय नहीं दे रहे हो, आप उत्पाद बेच रहे हो, न्याय को एक प्रोडक्ट बना के बेचा जा रहा है। तो उसी पे मैंने उसके बाद भी कई बार किया, फिर दिवाली में क्या हुआ कि लोग पटाखे फोड़ते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने खूब मना किया, जबकि उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, पटाखों से प्रदूषण जो है 0.03% या इस तरह से होता है। जब पटाखे खत्म हो गए उसके 1.5 महीने बाद तक भी दिल्ली की एयर क्वालिटी सीवियर, और वो जो खत्म हो जाता है ना उनके उस जांचने का, वो लाल हो के अब कत्थई होगा काला। अभी हाल में दिसंबर में भी तो कुछ हुआ था ना कि वो लोग कह रहे थे कि एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा गिर गई है, पूरे साल ऐसी रहती है, वैसा ही था। तो वो आप पराली जलाने वाले को आप कुछ नहीं करते हैं, जो मेजर 40% उस टाइम में रहता है कारण। अरे भाई, एक आया था, तुमको याद है अजीत, एक समय पर एक आया था जहां पर वो लोग कह रहे थे कि आप शादी में खाना कितना खा सकते हैं, याद है? जी हाँ, उन्होंने तो वही है ना कि 32 चाकू मारा जाता है एक लड़की को उसके वॉचमैन के द्वारा, और एक महिला जज बॉम्बे हाई कोर्ट की कहती है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर में नहीं आता है, रेप करने के बाद मारा था 32 बार, एक महिला जज ऐसा कहती है, तो आपको नहीं लगता? एक महिला जज कहती है कि पेनिट्रेशन जब तक नहीं होगा तब तक वो मोलेस्टेशन नहीं है। तो इस पे हम और आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? पीपल आर टू कंफर्टेबल टू स्पीक अबाउट इट। हम लोग जो है, ये नई जनरेशन है, हम भी इसको एज इट इज स्वीकार कर लें। पहले तो ठीक है, पता ही नहीं चलता था, क्योंकि कोर्ट के केस की लाइव रिपोर्टिंग नहीं होती थी, अब लाइव रिपोर्टिंग होती है, लाइव ट्वीटिंग होती है,
तो अब हम हर एक चीज जानते हैं कि कामत जो है कुरान की कौन सी आयतें वहां कोट कर रहा है हिजाब मामले पे, जिस पे हम लोग शायद आगे चर्चा करेंगे। तो हम अपने तरफ से, चार लोग हमारी तरफ से भी जाके इंटरवेंशन जो है उसमें दाखिल करते हैं कि कुरान में 26 और आयतें हैं जो कहता है काफिर जो वाजिबुल कत्ल है। तो क्या उस लॉजिक के हिसाब से किलिंग ऑफ काफिर्स इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस टू इस्लाम, तो क्या आप वो अलाउ कर दोगे? तो इस पे जब तक मैं, आप या गर्वित है, अनुज है, ये लोग नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? प्रश्न ये है, वकील नहीं ही बोलेंगे, जज साहब जब तक रिटायर नहीं होते तब तक उनको ज्ञान नहीं आता है। 44 मिलियन केसेज, 4.4 करोड़ केस है, 65,000 तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, 41 लाख हाईकोर्ट में लंबित है, और 1929 से 24 से इनफैक्ट कमिटीज बनती रही हैं कोर्ट्स की एफिशिएंसी को लेके, इन एफिशिएंसी को लेके कि इसको कैसे दूर किया जाए। कम से कम 12 बार लॉ कमीशन बैठे हैं जिन्होंने रिकमेंडेशन दिए हैं लेकिन उसको मानने वाला कोई नहीं है। तो मुझे डाल दो जेल में, डजेंट मैटर। और जब इसकी बात ही आई है तो आज ही मेरी बुक जो मैंने वही कोर्ट के जो अवमानना और ये सब पे मैंने लिखी है, उसी पे सटायर का जो है कलेक्शन है, तो वो बुक भी जो है, आपने मतलब ये लगाया, हाँ, तो ये बुक भी जो है अब आ रही है, 6 मार्च को आ जाएगी। प्री बुकिंग जिनको करना है वो कर सकते हैं। तो मैं पीछे के जरा एक दो लाइन आप, मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ के सुनाएं, अगर आपको दिख रहा है तो पीछे के एक दो लाइन सुनाएं। बिल्कुल, हाँ। प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी द्वारा न्याय व्यवस्था पर किए गए कटाक्ष अतुलनीय है, मैं चाहता हूँ कि हर जज और वकील उसे पढ़े और आत्मसात करे। ये अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल एवं चीफ जस्टिस रमन्ना जी की गुप्त बातचीत से है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेखक के सपने में कहा है कि कई बार मैं नीतिगत निर्णय लेने से पहले यह सोचता हूँ कि श्री अजीत भारती जी इस पर क्या लिखेंगे, कहीं वो मोदी जी ने किया है ठीक ही किया होगा, ताकि मेरा उपहास तो नहीं करें। होगा। बिल्कुल, तो यही सब है, ये कुछ महान हस्तियों ने इसके पीछे संदेश लिखे जिनके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। तो इसका अगर आपको किताब प्री बुक भी करनी है तो आई थिंक आप प्री बुक कर सकते हैं, ये इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो अभी क्लिक करिए, ये वीडियो देखकर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और प्री बुक आप अभी से कर सकते हैं किताब। आई एम वेरी एक्साइटेड। धन्यवाद। अरे बिल्कुल यार, क्या बात कर रहे हो तुम लोग यार, हम लोग हमारे लोग अब लोग किताब लिख रहे हैं तो खुशी की बात है। अभी अभी तक तो हम लोग यूट्यूब पे खाली बकचोदी करते थे, अब तो किताब भी लिख रहे हैं। चौथी किताब है। अच्छा, ये तो चौथी किताब है, बताओ क्या बात है, अभी तक मैंने पैम्फलेट तक नहीं लिखा है, चार चार किताब लिख चुका है आदमी। सही है। तो एक और बात, ये कोर्ट वाली एक और बात भी वो है ना कि पता नहीं कौन से सिस्टम में ये तरीका चलता है कि कोर्ट के लोग ही जजेस ही जजेस को चुनते हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप देख लीजिए, अगर पुलिस में ये हो रहा होता तो ये स्कैंडल होता, अगर पॉलिटिक्स में ये हो रहा होता तो ये स्कैंडल होता, साला बॉलीवुड में होता है तो लोग नाराज हो जाते हैं कि अनन्या पांडे को क्यों ले रहे हो यार, ये ना, लेकिन कोर्ट में होता है तो 70 साल से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है कि ठीक है चलता है तो चलता है। नहीं, 1993 में इन्होंने इफेक्टिवली कॉलेजियम का सिस्टम बना के अपने आप को कंप्लीटली संविधान से भी ऊपर कर लिया और कंप्लीटली इम्यून कर लिया हर एक चीज से। तो और खास बात इसमें यह देखिए, कॉलेजियम सिस्टम में होता क्या है, मतलब नॉर्मली आदमी जानता है कि वो लोग जज लोग जज को चुनते हैं या एलिवेट करते हैं, कॉलेजियम सिस्टम इतना सड़ी हुई व्यवस्था है ना कि आपको हाईकोर्ट का जज कोई भी वकील भी बन सकता है। ठीक, आपको आईएएस बनना है, एक एग्जाम देना होता है, पुलिस में जाना है, एक एग्जाम देना होता है, हाईकोर्ट का जज बनने के लिए भी, मतलब जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम है उसके थ्रू भी लोग जज बनते हैं, एलिवेट होते हैं, लेकिन हाईकोर्ट के जज बनने की पात्रता एक वकील होना मात्र है। और वकालत आप अजीत भारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ स्टडीज से भी कर सकते हैं और आटू झाटू इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ स्टडीज से भी करते हैं, जहां से आपको करना है वो और मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है। कोई योग्य उसमें किसी भी तरह की योग्यता की आवश्यकता नहीं है। और मुझे किसी ने बताया था कि मात्र 80 परिवार ऐसे हैं जैसे मोस्ट ऑफ द हायर जुडिशरी जो है वो चुने जाते, इस तरह का है,
इसलिए नेशनल ज्यूडिशियल अकाउंट क्या है, एनजेएसी करके एक है कमिटी जो है, उसके रूल्स को, उसके रिकमेंडेशन को ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और जब वही रिटायर हो जाएंगे तब ज्ञान देंगे कि नहीं, एनजेएसी इज गुड, हमें मानना चाहिए। यही तो मौज है, यही मौज है। और होपफुली इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपके ऊपर फिर अभी कोर्ट का इंटरेस्ट आया है, तो देखते हैं आगे कैसे डेवलप होता है। हम सब तो हैं ही आपके साथ, और लोग जाके किताब विताब भी खरीदिए, थोड़ा लीगल फीस वगैरह में मदद कीजिए, जाइए। तो एक और चीज पे बात करनी थी, क्योंकि तो काफी समय से चल रहा है आप लोगों से कि ने वीडियोस वगैरह भी बनाए हैं, बट अब यहाँ पर हैं, तो इसके बारे में भी एक थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि कर्नाटका में जो चल रहा है ये मामला इतने समय से। सबसे पहले लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ एक ऐसे चीज के बारे में जो बहुत सुनने को मिला है हमें अनुज पिछले खासकर 5-6 सालों में, तो एटलीस्ट बहुत सुनने को मिला है कि इस देश के मुस्लिम जो है वो खतरे में है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमें बार बार बताया जाता है कि खतरे में है, जेनोसाइड हो रहा है, कत्लेआम होने वाला है, ये सब चल रही है, लेकिन फॉर सम रीजन जब भी आप देखिए इंडिया में कट नॉन मुस्लिम ही रहे हैं अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करने के लिए। ये एक बहुत पिक्यूलियर तरह का फैसिज्म है जिसमें खतरे में कोई और रहता है लेकिन कटता कोई और रहता है। यू नो, हमको बोला जाता है कि मुस्लिम खतरे में है, लेकिन मुझे पर्सनली ये फीलिंग आती है कि मुस्कान खान जो है, मुस्कान जी के साथ कुछ नहीं होने वाला, मुस्कान जी को तो उल्टा आईपैड वगैरह गिफ्ट में मिल रहे हैं, लेकिन कट बेचारा हर्ष जाता है। ये खतरा मुझे जरा समझा दीजिए कि ये खतरा हिंदुओं पर भी आना चाहिए एक दिन। थैंकफुली यार देखो, ये सिंपल सी, जितना मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है इस चीज में, बहुत सिंपल टैक्टिक है। जैसे ही जिस दिन, और ये ऐसा नहीं है कि अभी नरेंद्र मोदी के कालखंड में ही शुरू हुई है, जब अटल जी थे ना, इस प्रकार की टैक्टिक्स उस टाइम भी होती थी। अभी द क्वेश्चन इज के बेसिकली कर कोई रहा है, भर कोई रहा है, ये क्वेश्चन है। तो जब आप देखते हो कि, और ये 2014 से अगर इसको आप इसका मूल्यांकन करना शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहला जो इस टाइप का एलिगेशन आना शुरू हुआ था वो ये था कि गाय के नाम पर आपने मुस्लिम युवाओं को, मुस्लिम लोगों को मारना शुरू कर दिया। अखलाक से बेसिकली इसको आप शुरुआत इसकी मान सकते हो। फिर वो इंटॉलरेंस वाली डिबेट आ गई थी, फिर वो यू नो सागरिका घोष जो है वो अपना ट्विटर अकाउंट पे एक एक नाम नोट करती जा रही थी कि इतने हो गए, 22 हो गए, 23 हो गए, 25 हो गए, 30 हो गए, ठीक है, उसमें सबके नाम आ रहे थे, पहलू खान एंड ऑल। अब वो पहलू खान की स्टोरी सबको पता है, या फिर जो बल्लभगढ़ वाला लड़का था उसमें सीट पे विवाद था, तो वो सारा जुनैद, हाँ जुनैद, तो ये सारी चीजें वो धीरे धीरे निकल के आती थी, ठीक है। अब इसका अगर आप मूल्यांकन करते हैं तो ये सोशल मीडिया पे इस तरीके से ये चीजों को पॉपुलर किया गया था, बट ये नैरेटिव कैसे बना, तो उसके लिए जब हम देखते हैं एक डेटा एजेंसी जिसका नाम इंडिया स्पेंड्स था, उसमें कांग्रेस से रिलेटेड भी कोई बंदा, तो उस उन्होंने एक हेडलाइन या फिर एक एक रिसर्च पब्लिश की थी, 98% ऑफ द मुस्लिम्स जो मारे गए हैं काउ लिंचिंग्स के दौरान वो नरेंद्र मोदी के कालखंड में मारे गए हैं, ये उन्होंने रिसर्च पब्लिश की थी। सेम रिसर्च वाज यूज्ड पहले तो वो भारत के अखबारों में या फिर डिजिटल स्पेस में या फिर जो न्यूज एजेंसीज थी उसमें उस रिसर्च का प्रयोग करते हुए ये नैरेटिव बनाया गया कि मुसलमान खतरे में है ना, इस्लाम खतरे में है भारत में। सेम डेटा को यूज करते हुए उसके बाद आप यू नो रूटर्स ले लो, न्यूयॉर्क टाइम्स ले लो, टाइम मैगजीन ले लो, इन सब जगहों पर आर्टिकल्स पब्लिश किए गए हैं सेम रिसर्च को लेके, और सेम रिसर्च को कोट किया था। ये नेटफ्लिक्स पे किस बंदे का शो आया था, हसन मिनहाज, अच्छा मिनहाज, हाँ हसन मिनहाज, उस बंदे ने वो पूरा शो ही उस चीज पे बना रखा था कि किस तरीके से इंडिया में मुसलमानों के ऊपर क्या हो रहा है, 2019 से जस्ट पहले। अब आप सोचिए एक पर्टिकुलर रिसर्च पे इतना बवासीर उन्होंने बो दिया। 2019 का इलेक्शन खत्म हुआ और विद इन 2 मंथ्स इन लोगों ने साला कहा कि डेटा फॉल्टी है, मतलब बेशर्मी की हदें देखो। आपने साला देश में पूरा आग का माहौल लगा बना रखा है, शबाना आजमी आ रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, जुनैद मेरा जुनैद को ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है, इतना तुमने साला बवासीर बो दिया पूरे देश के अंदर, और उसके बाद कहते हो कि फॉल्टी था। तो ये इस्लाम खतरे में, और ये
देखिए ये पूरा नैरेटिव देखिए, अभी काउ लिंचिंग पे सब फेल हो गया। हाँ अभी ना एक और चीज, आई एम नॉट श्योर अरे के, अनुज, जय हाँ श्री राम वाला मामला हाँ 2019 एग्जैक्टली वही मई मैं से उसी लेके, पॉइंट पे आ रहा हूं कि 2019 का चुनाव खत्म होते ही एक काउ लिंचिंग खत्म हो गई। उसके जय बाद श्री राम आ अचानक गया। से लगातार 3-4 महीने ना जय श्री राम बोल के पिट रहे थे मुसलमान भारत के। सोचिए जरा, और जय श्री राम बोल के। सारी खबरें झूठ थी, एक भी हाँ सही राइट नहीं था, राइट। एक भी सही नहीं था। तो इस पे हमने एक वीडियो किया था कि ऑलमोस्ट सारी खबरें वो झूठ हैं, एक भी हाँ सही नहीं था उसमें। तो बस ये है कि अब अचानक से काउ लिंचिंग्स का मामला खत्म हो गया क्योंकि वो फेल हो गया था 2019 में, 20-25 सीटें और ज्यादा आ गई। उसके बाद जय श्री राम बोल के पिट रहे हैं भारत के मुसलमान। तो भारत का हाँ मुसलमान, जैसे ही ये गवर्नमेंट, इस कोई भी इस टाइप की गवर्नमेंट आ जाती है, जिसे अब हम तो इसको हिंदूवादी गवर्नमेंट भाई ऐसे मानते नहीं है, पर लोगों की नजर में ये ना। है, ठीक है। पर जैसे ही इस टाइप की कोई गवर्नमेंट आ जाएगी, भारत के मुसलमान पे अत्याचार प्रारंभ हो जाता है। अभी देख लीजिए किस तरीके के एक-एक पूरे पेज के ऐड निकल रहे हैं वाशिंगटन पोस्ट में, राणा आयोग बताइए के यार, समर्थन मतलब में। इतना तो खतरे में है यूएन, कि साला यूनाइटेड नेशंस ट्वीट कर रहा है इनके लिए, इतना खतरा है इनको। अमेजिंग। हाँ, सो दिस इज हाउ द होल नैरेटिव जिसको प्ले किया जाता है और हाँ आपके हलक में उसको धकेला जाता है, ठीक है। अभी अगर मैं इसमें थोड़ा सा और हल्का सा डीप में जाऊं, इसको काउंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कि भारत में काउ लिंचिंग्स जो है, गाय के नाम पे लिंचिंग जो है मुसलमानों की, वो बढ़ी है या नहीं। इसका कोई डेटा संसद में नहीं होता है। संसद में हाँ मे बी कुछ कम्युनल रायट्स जो है उनका डेटा होता है, बट लिंचिंग का कोई डेटा नहीं होता है। तो उसका डेटा अगर आपको कुछ मूल्यांकन करना भी है, तो एनसीआरबी जो होती है उसके डेटा में निकालना पड़ेगा आपको कि कितने पशु जो है भारत के अंदर चोरी हुए। उसमें रिपोर्ट होती है कि भारत में इतने पशु चोरी हुए हैं। अब जितनी भी लिंचिंग्स जो होती हैं, वो बेसिकली क्या होता है कि कोई बंदा गांव में घुसा, कोई पशु चुराने गया, अब वो बंदा एफआईआर कराए तो साला जो हमारी भैंस है उसका आधार कार्ड तो है नहीं जो निकाल लेंगे उस भैंस को, तो या तो खो जाएगी भैंस या फिर गांव वाले उसे पकड़ लेंगे। पकड़ हाँ लेंगे चोर को तो दो चीजें होती है, या तो उसे पीट पीट के मार देते हैं या फिर उसको पुलिस में दे देते हैं। दो ही चीजें होती हैं। तो जो मृत्यु का डेटा है वो इससे निकाला जा सकता है कि चोरी से। अभी आप उसमें देखेंगे ना, तो 2011 में जितनी चोरियां हो रही थी पशुओं की, और 2015 16 17 में जितनी चोरियां हो रही थी पशुओं की, वो ऑलमोस्ट सेम है, विच मीन्स के लिंचिंग्स भी ऑलमोस्ट सेम ही होंगी। ये ही इसका एक तरीका है, क्योंकि और कहीं पे इसका डेटा प्रकाशित नहीं होता है। तो ये ड्रामेबाजी थी सारी, और इसी तरीके की ये सारी जो ड्रामेबाजी है, वो कल लड़का मरा है कर्नाटका में, उस पे मुस्लिम ट्रेंड कर रहा है, मुस्लिम्स आर इन डेंजर। सेव शिमोगा मुस्लिम ट्रेंड कर रहा है ना। हाँ राइट 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 सो दिस इज, ये देखिए ये होता है विक्टिम कार्ड प्ले करना, लोगों के दिमाग में क्या। अभी उस बंदे की जब शव यात्रा निकाली जा रही थी, उस पे भी पत्थरबाजी की गई है। मतलब तो सबसे दिस ब्लेटेंट इसका एग्जाम्पल तो हमने शो पे पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन इसका सबसे ब्लेटेंट एग्जाम्पल है एक नादिया मुराद नाम की औरत है जो कि यजीदी कम्युनिटी की है। उसको आईसीस ने 3 साल तक एक सेक्स स्लेव बना के रखा हुआ था अपने अपने यहाँ। वो कितने मर्दों में उस बेचारी औरत को बांटा गया है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उसके साथ 3 साल हुआ क्या है उसकी लाइफ में। उस औरत ने, एग्जैक्टली बेचारी ने अपनी लाइफ खत्म कैसे नहीं की, मेरे को ये नहीं समझ आता। आज वो औरत कनाडा में जा रही है एक स्पीच देने के लिए, जिसमें वो कह रही है कि आईसिस ने उसके साथ क्या क्या किया, आईसिस की सच्चाई बताने के लिए। और वहां पर कनाडा के प्रोफेसर जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, इनका लेक्चर कैंसिल कीजिए क्योंकि इनके लेक्चर से इस्लामोफोबिया फैल जाएगा। क्या नाम मतलब है, भैया, नादिया मुराद, नादिया मुराद, ओके, अब आप इमेजिन कीजिए यजीदी, शी इज अ यार, यजीदी वुमन। यजीदी औरत है। अब इससे बढ़िया विक्टिमहुड कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है कि आप एक तो 3 साल तक औरत का भक्षण कीजिए, उसके बाद देखिए वो औरत बेचारी बोलने भी जाए कि मेरे साथ हुआ क्या था, तो नहीं, उससे इस्लामोफोबिया फैल रहा है। शाबाश। तो ये तो अभी नॉट ओनली दिस, इनमें और भी कई गेम, जैसे तहरुश, तहरुश जैसे गेम्स इनमें खेले जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इसको साइकोलॉजिकल लेवल पे जाके जब तक नहीं समझा जाएगा, तब तक ऑल ऑल रिलीजन्स आर सेम एंड ऑल, यही सारे बकवास लोग करेंगे।
मेरे को ना इसमें देखिए दो चीजों से सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पूरे मामले में, देखिए ठीक है मुस्लिम कम्युनिटी में जो प्रॉब्लम है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन आई थिंक मेरे लिए पर्सनली, आप लोग शायद डिसएग्री करें, मेरे लिए पर्सनली ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये दो मायने में आती है। पहले मायने में ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे देश में एक ऐसा इंटेलेक्चुअल क्लास है जो एक कम्युनिटी को इन्फेंटिलाइज करता है कि नहीं वो तो बच्चे हैं बेचारे, बच्चों से गलतियां हो जाती है, बच्चों को छोड़ दो। दूसरी कम्युनिटी जो है जैसे नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज जो हैं, उनको अडल्ट्स की तरह बिहेव करना चाहिए, उनको डेमोक्रेटिक तरीके से बिहेव करना चाहिए, उनको सारे औरतों को अपने राइट्स वगैरह देने चाहिए। मेरे को ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम उससे है, क्योंकि अगर ये इंटेलेक्चुअल क्लास अगर ईमानदारी से सामने आकर बोलता कि नहीं देखिए सेक्युलर होना है तो सबको होना है, लिबरल होना है तो सबको होना है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है तो सबको करना है, वरना कोई मतलब नहीं इस बात का, तो ये जो प्रॉब्लम्स हम मुस्लिम सोसाइटी में इस समय पर देख रहे हैं ये प्रॉब्लम्स मेरे हिसाब से शुरुआत से ही नहीं आती। एक ये प्रॉब्लम है अजीत। दूसरी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से ये है कि हमारे देश में एक सबको अनफॉर्चुनेटली थोड़ा विक्टिमहुड खेलने का ज्यादा मन करता है रादर देन एक्चुअली सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सेंटर में हमारी एक बीजेपी की गवर्नमेंट है, कहीं कई स्टेट्स में स्टेट लेवल पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट होती है, लेकिन अभी लावण्या के केस में हमने क्या देखा, चलिए सीबीआई के पास केस जा रहा है, हाई कोर्ट में मामला, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन एक चीज मैंने देखी थी कि जब ये लोग सड़कों पर बैठ के बोल रहे थे जस्टिस फॉर लावण्या, अरे यार तुम्हारी सेंटर में गवर्नमेंट है, सड़क पे बैठ के ठीक है आपने गेम वेम खेल लिया, ड्रामा कर लिया, काफी है, लेकिन अक्सर इस तरह के केसेस में, चाहे लावण्या का केस हो, हर्ष का केस हो, कमलेश तिवारी के, बहुत सारे इस तरह के केसेस होते हैं जिनमें अक्सर एक दो हफ्ते के लिए कुछ आउटरेज होता है, बीजेपी वाले सड़कों पे उतरते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड कराते हैं, उसके बाद ये मामला गायब हो जाता है। अगर हम एक डिटरेंट क्रिएट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का इस्तेमाल करके कि जो भी इस तरह का काम करेगा उसके सारे फैमिली के सारे एसेट सीज होंगे और उसको तुरंत लटकाया जाएगा, तो ये डिटरेंट हम कभी क्रिएट नहीं करते। हम अपनी तरफ से भी, मैं बोल रहा हूँ बट फिर भी बीजेपी अपनी तरफ से भी एक विक्टिमहुड खेलने में ज्यादा विश्वास करती है रादर देन सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इसमें संभव यह है कि बीजेपी कभी भी, मतलब जैसे होता है ना कि कांग्रेस हो या सीपीआई हो, ये लोग एक सेंट्रल कमांड देते हैं कि फलाना चीज हुई है इस पे आउटरेज करो। भाजपा के साथ वो बात नहीं है। भाजपा का सेंट्रल जो है को एक 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 थीम को पकड़ के चलने वाली ये लोग पार्टी नहीं है। तमिलनाडु में जो भाजपा के लोग सड़क पे उतरे थे, दे हैड नथिंग टू डू विद सेंट्रल लीडरशिप। आप देखिए भाजपा के जितने नेता हैं बड़े बड़े, उसमें तीन चार नामों को अगर आप छोड़ दें, कपिल मिश्रा होते हैं और ऐसे तीन चार लोग हैं जो लिखते हैं, इनके अलावा आपको एक भी नेता कुछ भी ढंग की बात लिखता हुआ नजर नहीं आता ऐसे मुद्दों पे। इसका सीधा मतलब स्पष्ट है कि ऊपर से इन्हें या तो कहा गया है कि अवॉइड दिस टेरिटरी ऑल टुगेदर, और एक बार होता तो मैं मान लेता कि नहीं गलती हो गई, लेकिन आप एक पैटर्न देखेंगे कि ये हिंदुओं की हत्या को एक्नॉलेज नहीं करते। डॉक्टर रंगनाथन ने नाम गिनाए, उनसठ नाम गिनाए जो कार सेवकों को जला के मार दिया गया था। मैं कई बार जो है ये लिंचिंग जितने हिंदुओं की हुई है, हर मुसलमान के लिंचिंग पे 10-10 हिंदू नाम में गिना सकता हूं, मुझे बैक ऑफ द माइंड याद है क्योंकि इतनी हत्याएं हुई हैं। लेकिन मैं गिना सकता हूं, आप गिना सकते हो, डॉक्टर रंगनाथन गिना सकते हैं, गर्वित अनुज गिना सकता है, भाजपा का कोई नेता नहीं गिनाता, उसको पता भी होगा फिर भी नहीं गिनाएगा। ये लोग गोल मटोल बातें खाली टीवी पे जाके करते हैं। वस्तुतः मैं आपको बता रहा हूं कि ये लोग वही सोच रहे हैं कि यार अजीत तो हमारी बात कर ही रहा है तो उसकी बात क्यों सुनी जाए। हिंदू तो हमारा वोटर बेस है ही, ये लोग थोड़े ना राहुल गांधी को वोट दे दें। लेकिन इस टाइड पे सर्फिंग करना ये बहुत डेंजरस है इनके लिए, क्योंकि फिर तुम जो है ना एकदम से कॉम्प्लेसेंट हो जाओगे और एक दिन यही तुम्हारी डाउनफॉल का कारण होगा। क्योंकि यार जब मर हम कांग्रेस के भी टाइम में रहे थे, मर हम तुम्हारे भी टाइम में रहे हैं, तो फिर अंतर क्या है यार? तुम ना सीए इन्फोर्स कर पा रहे हो, ना तुम न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हो, तुम्हारे हिस्टोरियंस तो टॉम संपत के साथ जो हुआ, कितने नेताओं ने उनके सपोर्ट में ट्वीट किया है? हार्डली किसी ने किया है। जो नहीं किया है किसी, किसी साले को पता भी नहीं होगा कि हिस्ट्री किसी ने लिखी है।
जिस सावरकर को ये पूजते हैं उसकी हिस्ट्री किसी ने लिखी है, और दे आर नॉट शिट बॉदर्ड अबाउट कि उसको कैसे डिफेंड किया जाए। लोग अपना प्राइवेट पैसा लगा के, शायद एक राघव जी करके वकील है, उनके साथ मिलके दे आर फाइटिंग इट आउट इन द कोर्ट अगेंस्ट। आप देखिए, आप देखो अजीत, के जब भी इस तरह के कोई केसेस होते हैं जो कोर्ट में लड़ने होते हैं, तो अक्सर कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स, कपिल सिब्बल जैसे लीडर्स, जाके प्रो बोनो लड़ते हैं वो लोग केसेस। इतने बीजेपी के बड़े लीडर लॉयर्स ने बोला है कि मैं जाऊंगा लावण्या का ले, सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, कहीं पे भी प्रो बोनो लड़ूंगा जब तक उस लड़की को इंसाफ नहीं मिल जाता। कितनी पब्लिसिटी के नाम पे ही कर दो यार। एक ट्वीट नहीं कर सकते हैं जो लोग, वो क्या लड़ेंगे यार। इनमें एसेट्स को डेवलप करने का, एसेट्स को पालने का, इवन व्हेन दे आर डाउन एंड आउट, कांग्रेस इज डाउन एंड आउट बट दे आर स्टिल फंडिंग ऑल देयर मीडिया स्टूजेस, इसीलिए उनका नैरेटिव अभी भी चलता है। और हम और आप, हमारी आपकी सबसे बड़ी समस्या यही है ना, हम लोग सोते उठते बोलते हैं साला हमारा नैरेटिव क्यों नहीं चलता यार। 80% मतलब हम पॉपुलेशन है, 100 करोड़ है, 1% उसका 1 करोड़ होता है, इंटरनेट पे लगभग 40 करोड़ लोग है, 50 करोड़ लोग है, हम 1 करोड़ ट्वीट क्यों नहीं कर पाते हैं। तबरेज के मरने पे सूरत तक में रैलियां निकल जाती हैं, हमारी लावण्या की मृत्यु पे वो लोकलाइज रह के क्यों सिमट के रह जाता क्यों है? सिमट कर रह जाता वो इसलिए रह जाता है बिकॉज टू डू दीज थिंग्स यू नीड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। आपको ये गारंटी मिलनी चाहिए कि तुम करो, जेल जाओगे बट केस नहीं बनेगा। ये अभी साला ये इम्प्यूनिटी के साथ मुस्लिम्स ये करते हैं, वो आग भी लगा देते हैं, ह्यूमन चेन भी बनाते हैं, और हर्ष की हत्या करने के बाद भी वो ये ट्रेंड करवाते हैं कि मुस्लिम्स ऑफ शिवमोगा आर इन डेंजर। तो अभी हमारे सर पे इस समय एक केस लटका हुआ है एनडीटीवी से। अच्छा हाँ जी। तो एनडीटीवी ने बेसिकली एके टीके को मेल डाला है कि यूर हमने किसी वीडियो में उनका 30-40 सेकंड का कोई क्लिप लगा दिया है, तो आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ एनडीटीवी को इन्फ्रिंच किया है, तो आप हमें 1 करोड़ फेयर यूज लॉज नहीं पता यूट्यूब के जी, तो इनको बेसिकली 1 करोड़ रुपया देना है हमें हर अगले 1 महीने तक रोज अपने वीडियो के थ्रू इनसे माफी मांगनी। उनको वो पैंट उतारो, बोलो निकाल लो सर। तो दिस इज ये इस तरीके से बुली किया जाता है, हरेस किया जाता है, और सपोर्ट के नाम पे ना, सपोर्ट के नाम पे, तो खैर अब ये सारी चीजें हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, पुरानी भी हो गई हैं, सपोर्ट के नाम पे देयर इज जीरो सपोर्ट। बस ये अभी जैसे अजीत ने बोला वही मैं बोलना चाहता हूँ, देयर इज जीरो सपोर्ट ऑन दिस। या नहीं, बात सही है। इस पे फिर मैं यही बोलना चाहूंगा कि हमें अब पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स इसको डिटैच करना पड़ेगा। हाँ। कि हमारे जो लोग हैं जिनके सपोर्ट में हम खड़े हैं वो सिर्फ हमारा वोट चाहते हैं, इस सच्चाई को हमें स्वीकारना पड़ेगा, और वो हमारी व्यवस्था है कि हम उन्हीं को वोट देंगे। हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बोल के मैं लोगों से मिला, उच्चतम स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनसे मिला, एंड आई हैव बीन वेरी डिसअपॉइंटेड, नॉट फॉर द फैक्ट दैट दे आर नॉट एबल टू सपोर्ट अस मॉनेटरीली, नहीं नहीं नहीं, ये साले मॉरल सपोर्ट भी नहीं देना चाहते हैं। हम उनके लिए अछूत हैं। मैंने पूछा था ना कि जो डॉक्यूमेंट्री जब हम बना रहे थे तो मैंने कहा यार शुरुआत में जो लाइंस हैं, बिकॉज मैं चाहता था कि शुरुआत की जो लाइंस हैं कि सभ्यता के प्रतीकों को रेगिस्तान बनाने का प्रयास किया जाता है, परंतु जीवित सभ्यताएं रेगिस्तान को चीर कर, तो आई थॉट के इसमें कुछ जो बीच में वो बोलता है स्वास्तिक पूरी दुनिया में शांति का प्रतीक है इस टाइप से बोलता है, हमने एक कॉमन मैन लिया था उसमें बाद में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थॉट के इसमें क्या कोई फेस हो सकता है जो जो बड़ा फेस हो, चिन्हित फेस हो। तो मैंने किसी को फोन किया, मैंने बोला कि क्या इसमें हम जो हैं महाराज जी को ले सकते हैं। बंदे ने 1 सेकंड में मुझे कहा कि जो महाराज जी हैं उनका कद इतना ऊंचा है, वो अब बीबीसी के पास ही
मुझे एक सेकंड में उसने बोल, मैंने कहा ठीक है, उसके बाद बात ही खत्म। उनको सिर्फ बीबीसी लेने का शौक है। अनुज ये भी बात है कि ये जो गेट कीपर्स है ना, वो ज्यादा साले मतलब वो स्वयं को महाराज जी समझते हैं। हम और आप तो मिल चुके हैं ना महाराज जी से, हमने कहा तो कभी सौभाग्य नहीं हुआ है आज तक। किस तरह के व्यक्ति हैं वो, ये हम और आप जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जिस रूम में हम लोग वेट कर रहे थे राइट सबसे बाद में, तो आपको याद होगा कि 3-4 लोग जो थे ना वो ऊपर से बिठाए हुए लोग हैं, वही गेट कीपर्स हैं। दे विल नेवर अलाउ टू गेट यू थ्रू। बिल्कुल। और ये इट इज नॉट ओनली इन लखनऊ और सम प्लेस, ये हर जगह है। और दिल्ली में तो इतना भयंकर है ये। एंड अजीत तो खैर यू नो ओपनली सारा कुछ बोलते रहते हैं, तो आई टोटली एग्री विद हिम। जो भी इनके ट्वीट्स है ना, मेरे मन के भाव है वो निकल गए। अरे भाई, लोगों से दुश्मनी हो गई है। आई एम एन अनवांटेड पर्सन, मैं इनके स्पेस में जाऊंगा तो दे वोंट अलाउ मी टू स्पीक। मतलब नॉट दैट कि मैं मांगता हूँ कि मुझे दे दो, आई हैव माय ओन वॉइस एंड तुम कंबाइंड जितना हल्ला कर सकते हो मैं अकेले उतना कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव द कंटेंट, आई हैव द मैटर, आई नो आई एम आर्टिकुलेट एंड आई कैन पुट माई पॉइंट अक्रॉस। तुम्हें सालों मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ, थर्सडे को हमारा जो थर्सडे का पॉडकास्ट होता है उसके ऊपर हमको इतनी गालियां पड़ती हैं कि तुम लोग इस तरह से क्यों बोलते हो तुम, और उस वजह से अब हम लोगों को कुछ जो दरवाजे होते हैं वो दरवाजे भी हमारे बेसिकली बंद हो चुके हैं, स्पेशली थर्सडे पॉडकास्ट की वजह से। लेकिन इसीलिए मुझे ऐसा लगता है एट द वेरी लीस्ट कि इसीलिए लोग फॉलो करना भी चाहते हैं इस तरह के लोगों को, क्योंकि उनको पता है कि अच्छा कुछ तरह के यूट्यूब कंटेंट आपको मिल जाएगा जो कि एक तरफ की बातें आपको करेगा। हमारा भी है जो यूट्यूब कंटेंट, हमारे बायसेस क्लियर है। मैं तो हमेशा अपने शो पर बोलता हूँ मेरा बायस क्लियर है, मैं किस तरफ लीन करता हूँ, मैं किसको वोट करता हूँ, सब कुछ मैंने बोल रखा है। उसके बावजूद मेरे को फिर भी इंटेलेक्चुअली एक ऑनेस्टी होनी चाहिए मेरे दिमाग में कि मुझे कुछ ना पसंद आएगा तो मैं बोल सकता हूँ। इतनी ऑनेस्टी और इतनी फ्रीडम मेरे को होनी चाहिए। एंड इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आप जो अजीत कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहा है कि ये जो एक 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 वो कनेक्शन वाला मॉडल है, जो पॉलिटिकल साइड का हमारा जो है वो अपने आप को डिटैच करके रखना पड़ेगा। और इसीलिए मैं ऑडियंस को भी हमेशा यही कहता हूँ, जो लोग अभी देख रहे हैं उनको भी मैं यही कहता हूँ कि आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि हम लोग इंडिपेंडेंट वॉइस अगर मेंटेन करके अपनी रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग जनरली अपने ऑडियंस पर ही डिपेंड करते हैं। और हम सारे लोग जो हैं यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, हम सब लोग एक ना एक लेवल पर अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल डेवलप कर रहे हैं टू कीप एन इंडिपेंडेंट वॉइस, व्हिच मींस वी आर वेरी हाईली डिपेंडेंट ऑन अ सपोर्टिव ऑडियंस। तो आप लोग एके टीके को देखते हैं, आपने एके टीके की डॉक्यूमेंट्री देखी, आपने इंजॉय की, आप अजीत भारती के रोज देखते हैं, आप लोग इंजॉय करते हैं, आप मेरा शो देखते हैं, आप लोग इंजॉय करते हैं। मेक श्योर कि जिसका भी शो आप इंजॉय करें, चाहे वो एक ब्लॉग राइटर हो यार, चाहे वो एक कार्टूनिस्ट हो, जो भी हो, जिसको भी आप दिल से इंजॉय करते हैं, हर महीने टेक अ पार्ट अ सर्टेन अमाउंट इफ यू कैन। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं यार, सिर्फ वीडियो देखो, बट इफ यू कैन टेक अ पार्ट अ सर्टेन अमाउंट एंड कंट्रीब्यूट टू द कॉज। क्योंकि लेफ्ट विंग के आप आउटलेट्स देखिए, उन सबको जैसा अजीत ने कहा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इंक्लूड्स मनी एज वेल। ठीक है, उनको कोई देख भी नहीं रहा होगा लेकिन उनका धंधा आराम से चल जाएगा। दैट इज नॉट द केस ओवर हियर। यहाँ पर केस बिल्कुल उल्टा है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है, यहाँ सिर्फ ऑडियंस का सपोर्ट है। दैट्स एनीथिंग टू ऐड, आप लोग बोल दीजिए। एंड बाकी जो है ना, लोगों के अंदर पता नहीं परसेप्शन परसेप्शन जो दूसरी साइड है उन्होंने ऐसे बनाया हुआ है कि इनको बहुत कुछ मिलता है। नॉल कली पता नहीं, बिकॉज एज अजीत सजेस्टेड तो हमने ये शुरू किया था यूपीआई जो था, उससे पहले तो पेट्रियन ही चल रहा था, तो यूपीआई हमने उसमें लगाना शुरू किया है। तो कल किसी का वहाँ उस पे जो है मैसेज आया हुआ है कि ये तुम्हें साला मोदी जी से 2-3 रुपए मिलने बंद हो गए पर वीडियो जो यहाँ पे तुमने लगा दिया। तो ये हाल परसेप्शन का है, यहाँ साला बस अपना ये है कि अपना काम चल जाता है किसी तरीके से, और परसेप्शन ऐसा बना रखा है कि देखिए मैं यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा कि विदाउट प्रॉपर फंड्स कुछ नहीं हो सकता। और हम लोगों का जो मॉडल है वो सरवाइव ही
यूट्यूब एड्स एंड ऑल उसकी वजह से नहीं कर सकता। अरे कोई जो डॉक्यूमेंट्री तुमने बनाई थी वो कोई साला 10 रुपए में थोड़ी नहीं बनती है यार। बिल्कुल नहीं बन सकती वो, बिल्कुल नहीं बन सकती। तो उसमें खर्चा लगता है, सारी चीजें करनी पड़ती हैं, आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, आपको पता नहीं कितना। अभी ये रिसर्च वगैरह तो खैर हमने ही की, बट अगर इसके लिए टीम रखनी पड़े। अब मान लीजिए मैं अब यहाँ पर 10 नए टॉपिक अनाउंस करने वाला हूँ विद इन सम डेज, ठीक है? तो 10 टॉपिक जब मैं अनाउंस करूंगा तो मैं खुद रिसर्च कर लूंगा, दैट इज इम्पॉसिबल। तो आपको उसमें एक दो चार लोग रखने पड़ेंगे, उनकी सैलरीज होती हैं, उनकी सारी चीजें होती हैं। और ये चीज जब तक लोग नहीं समझेंगे तो हम एक मास स्केल पे काम नहीं कर सकते। वो फिर ये है कि साल में एकाध, बिकॉज हमारी भी क्या होती है, हमारी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। अब हम जो है रामदेव बाबा तो है नहीं जो 3-4 घंटे से हो गया अपना काम चल जाए पर हमें अपना आराम भी चाहिए। हमें बीच बीच में क्या है कि साला वेब सीरीज की देखने की भी हुड़क लगती है, तो हमारे अपने अपनी भी लाइफ है, राइट? हम बहुत आम आदमी हम लोग यार, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं बीच में। तो हमें क्या है कि अजीत, हाँ अनुज आप खत्म कर लीजिए। यू गो अहेड, मेरा हो गया। मैं कल का एक इंस्टेंस बताना चाहूंगा। कल रात के लगभग 1 बजे या 12:30 बजे मुझे यूएस के किसी नंबर से व्हाट्सएप आया कि मैं फला फला आदमी हूँ और मुझे फला आदमी से आपका नंबर मिला, मैं ये काम करता हूँ, आपसे बात कब हो पाएगी? तो मैंने लिखा, मैं बहुत ज्यादा मतलब उस तरह से नहीं हूँ कि हाँ नमस्ते बहुत धन्यवाद, मैंने सीधा लिखा कि इन व्हाट रिगार्ड, किस संदर्भ में आप बात करना चाहते हैं। तो वो व्यक्ति रात के 12:30 बजे लिख रहा है, क्या एक हिंदू दूसरे हिंदू से बिना कारण के बात नहीं कर सकता? मतलब यार ये क्या इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो यार मुझे तुम किसी कारण में आपको रात में 2 बजे फोन नहीं कर सकता मतलब कम से कम सोचो आदमी। और कल मैं इसलिए भी थोड़ा खींचा हुआ था कि सुबह जो ही मैं उठा मैं ट्विटर पे गया एंड हर्ष की हत्या हो चुकी थी। मेरा दिमाग घूम गया कि साला एक खत्म नहीं होता है। एक के लिए अभी फंडरेजर जो है रुपेश के लिए कर रहे थे कपिल मिश्रा, उसमें सहयोग दिया, फिर इनका है, एक का खत्म नहीं हुआ साला, दूसरा लड़का हमारा मर गया। और बडिंग मतलब युवा नेतृत्व था तुम्हारा, वो 2015 से उसके ऊपर ये लोग आंख लगाए हुए थे मैंगलोर मुस्लिम्स वाले, उसकी खीज। फिर मुझे लगा कि 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, तब तक मैंने एक उस पे वीडियो बनाया, थोड़ा इधर उधर से कंटेंट इकट्ठा किया। उसके बाद से वही दिमाग में चल रहा था कि हमारा नैरेटिव एम्पलीफाई क्यों नहीं होता है, हम और क्या कर सकते हैं। और यहाँ मैसेज आता है, क्या एक हिंदू दूसरे हिंदू से बिना कारण बात नहीं कर सकता? By the way, एक छोटी सी मैं आपके घर में आके आपके सोफे पे सो भी नहीं सकता आजकल। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास कि इफ यू वांट टू एम्पलीफाई समथिंग, कोई आप अपना शो बना रहे हैं उसे एम्पलीफाई कराना है एंड ऑल, तो जो सुदर्शन चैनल चला रहे हैं सुरेश चौहान के जी, उनका मैसेज है इस तरीके से कि आप अपनी डॉक्यूमेंट्री या कोई शो अगर उसको चलवाना चाहते हैं ऑन हिज चैनल, ऑफकोर्स वो सारे एपिसोड तो नहीं दिखाएंगे बट ऑफकोर्स मतलब इंट्रोड्यूस उस शो को करा सकते हैं वो। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए अच्छा है, कम से कम कोई तो कोशिश कर रहा है ना, तो चलिए वो बात भी अच्छी है। एक और बात मैं देख रहा था पिछले, ये खासकर ये जो यूएन ने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के ट्वीट किया है राणा अय्यूब जी के लिए, इतनी संगीन बात है ये। इस पूरे मुद्दे के ऊपर मैं सोच रहा था कि यार यूएन की जो आज हालत है क्या उससे बुरी हो सकती है? एक समय था जब यूएन को थोड़ा लोग रिस्पेक्ट करते थे, आजकल तो बेसिकली यूरोप में भी यूएन को रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया है। ट्रंप का जो कंटेम्प्ट था यूएन के लिए वो तो काफी क्लियर था, ट्रंप सपोर्टर्स का अभी भी काफी बड़ा कंटेम्प्ट है। WHO ने जिस तरह से अपनी पैंट उतारी थी चाइना के लिए पिछले 2 साल पहले, वो भी सबने देख रखा है। और आज आप देख लीजिए कि यूएन जो है, एक मैडम जिनके ऊपर फ्रॉड फंड रेजिंग का आरोप लगा है, उनको कोई जर्नलिस्टिक फ्रीडम के नाम पर सपोर्ट किया जा रहा है। मैं ऑनेस्टली सोच रहा हूं कि अगले 5-6 साल में क्या होने, अभी आप पुतिन की भी जो सिचुएशन देख रहे हैं, कुछ कंट्रीज ने बोला है कि बहुत गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारी कंट्रीज है चुप है,
यूएन ने बोला सबको है कि प्लीज आप बोलिए, कुछ हमारे लिए है, हमारी लगी पड़ी है, लेकिन बहुत लोग बोल नहीं रहे हैं। मेरे को सीरियसली ये लगता है कि एक जो एक ग्लोबल, मैं इसको कंस्पिरेटोरियल नहीं बनाना चाहता बहुत ज्यादा, बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि ये कोई ग्रैंड कंस्पिरेसी है एक्स फाइल्स टाइप की, लेकिन एक एक है एक लेवल पे एक ग्लोबल एलीट है जो चाहता है कि उनके वैल्यूज जो है या उनकी स्टाइल की जो डेमोक्रेसी है वो पूरी दुनिया में होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। इंडिया अपना रास्ता खुद नहीं चुन सकता, युगांडा अपना रास्ता खुद नहीं चुन सकता, नाइजीरिया अपना रास्ता खुद नहीं चुन सकता, ब्राजील अपना रास्ता खुद नहीं चुन सकता। एक लेवल पे आज मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से खासकर इंडिया में एक कॉन्सेंट्रेटेड अटैक हो रहा है, चाहे वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स हो, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हो, यूएस फंडेड, यूएस गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन हो, यूएससीआईआरएफ जैसे, अब यूएन को ही देख लीजिए, एक लेवल पे जो इंडिया जैसे देशों पर, ब्राजील जैसे देशों पर अटैक हो रहा है, क्या आप लगता है अजीत तुम्हें कि टू एन एक्सटेंट, एटलीस्ट मे बी नॉट कंप्लीटली बट टू एन एक्सटेंट, ये जो वर्ल्ड ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, आई डोंट नो हाउ एल्स टू डिफाइन इट, उस पर से इंडिपेंडेंट जो अलग अलग देश हैं, जो नॉन वेस्टर्न देश हैं, उनका विश्वास टू अ लार्ज एक्सटेंट उठ रहा है? बिल्कुल, इनफैक्ट 1920 में जब लीग ऑफ नेशंस बना था एंड इट फेल्ड टू प्रोटेक्ट इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन कि हमें जो है और युद्ध नहीं होने देना है, वर्ल्ड वॉर वन के बाद बना था, उस बॉडी को, उस बॉडी जो वो बॉडी वर्ल्ड वॉर टू को प्रिवेंट नहीं कर पाई, उसके बाद फिर कहता है कि नहीं अब एक नई बॉडी बना। यार अवधारणा तो सेम है ना, लीग ऑफ नेशंस वाली तुमने यूनाइटेड नेशंस बनाया, और उसके बाद से आप देखते जाइए चीन साउथ चाइना सी में क्या कर रहा है, क्या वो यूएन की कोई बात मानता है? पांच जो सबसे बड़े देश है उसको तुमने वीटो पावर दे रखा है, क्यों? तुम इसका मतलब ये है ना कि वही एनिमल फार्म वाला जो है, सम एनिमल्स आर इक्वल एंड सम आर मोर इक्वल, उस टाइप की अवधारणा। यूएस ने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कभी नहीं खोजा, सीरिया को, लीबिया को, अफगानिस्तान को, इराक को, सबको तबाह कर दिया सब, क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी वर्जन ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब अपने स्टूजेस को इंस्टॉल करना था। रूस भी वहां से बैठा हुआ इंटरकॉन्टिनेंटल मार रहा था आइसिस के लिए, वो सीरिया मार रहा था, वहीं से क्रीमिया को एनेक्स किया, उसके बाद यूक्रेन में जो चल रहा, और उसे फर्क नहीं पड़ता। अब वही बात है कि किसी भी देश को जिसके पास पावर है और जिसने यूनाइटेड नेशंस की इनएफिशिएंसी की हिस्ट्री देखी है, न्यूट्रलिटी की हिस्ट्री देखी है, कि ये लोग साले सिर्फ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वाले पासपोर्ट लेके घूमते हैं और टैक्स फ्री पैसा लेते हैं सैलरी, अदर देन दैट दे सॉल्व नो पर्पस। इजराइल, अगर इतना ही इनको चिंता होती तो 30 साल तक, यू नो 1990 में ये जो टेररिज्म था, पाकिस्तान फंडेड इस्लामिक टेररिज्म जो हो रहा था कश्मीर में, उसके रिजल्ट में कश्मीरी हिंदुओं को एथनिकली क्लेंस किया गया, 30 साल तक वो घर भी नहीं लौट पा रहे बेचारे, टेंट में बैठे हुए हैं अभी तक। कहाँ है यूएन, कहाँ था 30 साल तक यूएन? वहां पर बोल रहा था नहीं, खुद सॉल्व करिए। अरे जब तक 9/11 नहीं होता है तब तक ये भारत के खिलाफ जो आतंकवाद था उसको बायलेटरल कॉन्फ्लिक्ट बोलते थे, इनकी जब खुद की नहीं फटी तब तक तो यूएन, मतलब यूएन एज ए बॉडी तक ने आतंकवाद को रिकॉग्नाइज नहीं किया। और आफ्टर स्पेट ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट अक्रॉस यूरोपियन सिटीज, ब्रुसेल्स पे मार दिया, बर्मिंगम में मार दिया, मैड्रिड, नीस, पेरिस, जहां तुम एक देश का नाम लो उसका प्राइम लोकेशन का, उसमें लोन वुल्फ अटैक या फिर एक कोऑर्डिनेटेड टेररिस्ट अटैक हुआ, तब इनको लगा कि नहीं इंडिया वाले सही कह रहे थे कि पाकिस्तान इज द मदरशिप ऑफ टेररिज्म। वही करके जितनी राष्ट्रीय, मतलब अंतरराष्ट्रीय बॉडीज हैं, आप देखो कि दे आर कंप्लीटली डिफंक्ट एंड दे लिसन टू ओनली दोज हु आर पेइंग देम, जिस प्रोपोर्शन में जो पे कर रहा है उसी को सुनते हैं, नहीं तो इनके होने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिवाय इसके कि एक बात कुछ आती है इसको ये 200 भाषाओं में अनुवाद करवाते हैं, दैट्स इट, ट्रांसलेशन सर्विस, एग्जैक्टली, बस इनका इतना ही पर्पस है। ये कोई वर्ल्ड ऑर्डर को ये नहीं कर पा रहे हैं। ट्रंप क्या कर रहा था, उसका बाइडेन ने क्या किया है, ये सबको दिख रहा है। कनाडा में जो हो रहा है कि घोड़े चढ़ा रहे हैं यार महिलाओं के ऊपर, ये डेमोक्रेसी है और उसको इंडेक्स में तुमने नंबर 5 पे रखा हुआ है।
यहाँ इंडिया में सब किसान पुलिस को पीट रहे हैं, और वहां पे आप देख लीजिए क्या क्या चल रहा है। वहां की पुलिस को देखो यार, कनाडा की पुलिस को अनुज अगर तुम देखोगे तो देख के लगता है कि साले कॉल ऑफ ड्यूटी से निकल के आए। हमारी पुलिस लगता है पड़ोस के बाके लाल का चाट खा के अभी भी पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन की है। उसके बाद भी हम लोगों को साला अथॉरिटेरियन बोलते हैं ये लोग। यही तो नैरेटिव है, यही तो नैरेटिव बिल्डिंग है। अभी कितना दिन प्रोटेस्ट चला है ये? आई थिंक अब तो उन्होंने खत्म करा दिया है। एक एक्ट लगाया है, इमरजेंसी एक्ट, विद इन डेज उन्होंने इस चीज को खत्म कर दिया है। नैरेटिव क्या है कि हम अपने देश में किसी भी प्रकार की अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ साला तुमने लाल किले पे क्या हल किया है? पुलिस वाले खाइयों में गिर रहे हैं, पुलिस वाले खाई में गिर रहे हैं। अपने आप को किसी तरीके से पुलिस वाले बचा पाए हैं उस दिन। ऊपर से भी ऑर्डर नहीं है कि साला कंबल कुटाई कर दो। ऊपर से यह है कि भाई आज के दिन उपद्रव की स्थिति को पैदा होने दो, उसके बाद हमारे पास बहाना होगा तो हम इनको उठा देंगे। वो भी नहीं किया तुमने, उसमें भी एक्सपोज हो फेल हो जाएंगे, गए। हाँ, उसमें भी अब क्या है कि एक्सपोज। रोहिणी सिंह बैठ के ट्वीट कर रही है कि आज तो डेमोक्रेसी की हत्या होने वाली है, तो शाबाश। हाँ, तो उस वजह से भाई साहब रुक गए। तो ये स्थिति है हमारे यहाँ पर। उधर क्या है, उधर उन लोगों ने ये कितने दिन, मेरे ख्याल से प्रोटेस्ट चला है, जनवरी में आई थिंक ये कुछ ना कुछ मात्रा में शुरू हुआ था और फिर वो धीरे धीरे बढ़ गया था। उन लोगों ने एक तरीके से इनके शहर को घेर लिया था, वहां पर बजिंग कर रहे थे, वो पूरा हॉर्न बजा रहे थे, लोगों को परेशान जो भी है उन्होंने किया है, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुद्दा इतना बड़ा नहीं था, इट वाज जस्ट वैक्सीनेशन के, सारे सबको वैक्सीनेशन जरूर, और 90% आई थिंक वहां पे वैक्सीनेटेड हैं जो ट्रक ड्राइवर्स हैं। सो पॉइंट सिर्फ ये था कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाकर भी एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट कर दिया कि ये लोग देश में उपद्रव की स्थिति पैदा कर रहे हैं, आम जनता जो है वो इनसे खतरे में है और हमें इमरजेंसी एक्ट लगाना है। उन्होंने लगाया, उन्होंने सीधा सीधा जितने जो खाते हैं, अकाउंट्स हैं, वो सीज किए हैं। उन्होंने करीब 250 अकाउंट्स जो हैं वो सीज किए हैं लोगों के, जिनमें पैसा आ रहा था, ठीक है। उन्होंने पुलिस को एक्स्ट्रा पावर दी है वहां पर। आप इमरजेंसी एक्ट के अनुसार अब वहां पर जो अप्रोक्सीमेटली 100 ट्रक उन्होंने टो किए हैं, ठीक है, सबको बाहर जाने को बोला है, किसी को भी आप गिरफ्तार कर सकते हो, जो भी हल्का सा आपको नानुकुर भी करेगा उसको आप गिरफ्तार कर सकते हो। कितनी प्रॉपर्टीज जो हैं उनको, जो ट्रक प्रॉपर्टीज हैं उनको, वो अगर उनमें लॉक लगा हुआ था उनको तोड़ा है उन्होंने। फिर जो नॉट ओनली द ये कॉरपोरेट अकाउंट जो होते हैं या सेविंग्स जो अकाउंट होते हैं, बैंक बैंक अकाउंट, उनको उन्होंने सीज किया है। नॉट ओनली दैट, जो जो ये क्या क्रिप्टो क्रिप्टो से जो पैसा वगैरह वो खींच रहे थे उसको उन्होंने सीज कर दिया। ये स्थिति उन्होंने पैदा कर दी विद इन डेज। और ट्रूडो का बयान सीधा सीधा ये है कि ये लोग उपद्रव की स्थिति पैदा कर रहे हैं, कनाडा इनसे नहीं डरेगा, कनाडा जो है वो अपना जो वो काम है जो, वो हाँ, करना है, मैं वो चाहे ये करेगा। करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी एग्जैक्टली। है, बेसिकली और चल इसी रहा साले है। का, इसी का बयान था जब किसान आंदोलन चल रहा था, जिसे मैं आड़ती आंदोलन बोलता हूँ। तो इन लोगों ने, ये कनाडा के लीडर्स, जसमीत सिंह है, क्या नाम है उस बंदे का, या हरमीत फिर सिंह। हाँ हरमी, तो ये ट्रूडो का भी उस समय बयान आया था और उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से भारत में जो प्रोटेस्ट है लोगों को वो नहीं करने दिया जा रहा है। एंड इट वाज नॉट द प्रोटेस्ट यार, क्या साला तुमने पूरा आतंक मचा दिया है, तुमने ट्रैक्टर जो है वो साला टैंक की तरह तुम यूज कर रहे हो, हाँ, लोगों ऐसे घुमा घुमा के पुलिस वालों पे चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। एग्जैक्ट चीज जो अभी कनाडा में कर रहे थे ये लोग, कि ये लोग जो आरटी रोड्स हैं, जो ऑटवा में आ रहे थे, उनको ब्लॉक करके रखा हुआ था। एग्जैक्ट सेम चीज इंडिया में हो रखी थी, कि बड़े आरटी रोड्स को ट्रैक्टर से ब्लॉक किया हुआ था। अभी न्यूजीलैंड में आप देखिए, जो वहां की जसिंडा आर्डर्न है, जिससे हमारी साउथ दिल्ली की अंकिता तो ऐसे प्यार करती है जैसे उसकी सगी माँ हो, वो बोलती है कि मैं अपनी पुलिस को कोई भी डायरेक्शन नहीं दूंगी, उनकी मर्जी है, वो प्रोटेस्टर्स से जैसे भी हैंडल करें। सामने से बोल के, अगर मोदी ऐसा बोलता ना, डेमोक्रेसी की मौत भी हो जाती, डेमोक्रेसी की 13वीं का भोज भी हो जाता, और डेमोक्रेसी की बीवी ने साला दूसरी शादी भी कर ली होती अभी तक। ठीक है, वो ये हालत बेचारे हो रखी नहीं, है। हाँ वो नहीं भी बोलते तब भी हुई पड़ी है डेमोक्रेसी की मौत हमारे यहाँ वही पर। तो तो।
अभी इन्होंने क्या बोला है, जो जो इसने वॉशिंगटन पोस्ट का जो एक पूरे पेज का एड है वो उसने इसको दिखा रखा है नेल्सन मंडेला की तरह, राणा अयूब को एक महात्मा सा बना के बिठा दिया। ऊपर लिख रहा है कि भारत में प्रेस फ्रीडम जो है वो जा रही है नीचे। अरे प्रेस फ्रीडम की मैं अब इसमें फिर अब लोगों को अगर आंकड़ों पे बात करनी तो फिर आंकड़ों पे बात करो ना। कांग्रेस के टाइम क्या था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, क्या था भारत का? अप्रोक्सीमेटली 140 के अप्रोक्स था, 138, 140। इस टाइम कितना था अनोज अभी अनोज, लेटेस्ट? या ये जो इंडेक्सेस निकलते हैं ये ये बकवास होते हमारे हैं। तुम्हारे जैसे पांच आदमी जो है ना आटो झाटो इंडेक्स ऐसे करके रजिस्टर करते हैं एनजीओ अपना, और वो निकालते हैं यार। इनका कोई हाँ स्टैंडर्ड नहीं है, आई नो बट क्या मतलब है कि कोट फर्जी है इनको साला। ही, हाँ पॉइंट क्या है कि कोट इनको ही किया जाता है हर जगह। जैसे मैंने वो शुरुआत में बताया था वो कि इंडिया तुमने स्पेंड साला वाला। एक, हाँ वो एक डेटा एजेंसी निकाली, साला सब उसको कोट कर रहे हैं, आटू झाटू जो भी है। अब इन्होंने भी ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स सामने निकाला हुआ है, अब उसके अनुसार भी अगर आप देख लो तो एक या दो पायदान का फर्क है बस, वो भी शायद नीचे ही होगा। मतलब कांग्रेस के समय से बेटर प्रेस फ्रीडम शायद आपको मिल रही है। यार उस टाइम साला क्या था? तुमने साला राडिया टेप, तब तो हमारे मंत्री तब तो साला बरखातक बैठ के कह रही थी मैं लॉबिंग करूंगी। क्या ड्रामेबाजी है प्रेस फ्रीडम यहाँ पे। अब ये फ्रीडम चाहिए क्या, या वो फ्रीडम चाहिए कि आपको जहाज में जाना है प्राइम मिनिस्टर के साथ और दारू पीनी है फ्री की, ये फ्रीडम चाहिए? इसलिए फ्रीडम ऑफ इंडेक्स फ्रीडम नहीं है, नहीं तो साला कौन क्या नहीं बोल रहा अभी। ये इसने कल 2-4 दिन अभी लेटेस्ट वो कौन बंदी है महुआ मित्रा, उसने उसने फासिस्ट बोल दिया है फिर से। अनुराग कश्यप देखो कितनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाए जा रहा है आज तक, उसको क्या हुआ है? वो मोदी को फासिस्ट बोल चुका है, किसने उसकी नहीं बोला, पांच क्या नहीं फिल्में, बोला? अनुराग कश्यप की पांच फिल्में कांग्रेस के टाइम में बैन हुई थी, पांच। देखो मैं एग्जैक्टली वही चीज कह रहा हूं कि ये साला सब फ्रॉड है, एक नंबर का फ्रॉड सिस्टम है। अगर आप हल्का सा ध्यान दोगे यू विल एक्सपोज देम, नंगा कर दोगे बिल्कुल। इतना इतना खोखला है ये सारा सिस्टम। इसीलिए मैं सोच रहा हूं ना कि यार हम लोग तो ये नोटिस करते ही हैं। मुझे लगता है कि इंडिया की एक पॉपुलेशन है वो भी इन चीजों को नोटिस करती है। आई मीन जितनी भी बीजेपी के साथ प्रॉब्लम है उसके बावजूद भी अगर बीजेपी को आप एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ जिता रहे हो, इसका मतलब कि आप भी एट अ लेवल। मैं जानता हूं कि इसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं और बीजेपी की जो फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स हैं दे ऑल्सो प्ले अ वेरी बिग रोल, बट टू अ लेवल कल्चरली भी ये सारी चीजें लोग नोटिस करते हैं जमीन पर। एनेक्डोटली भी आप इसको देख सकते हैं, डेटा में भी आप इसको देख सकते हैं। एंड द सेम थिंग वी आर सीइंग इन ब्राजील, इन जैसे मैंने अदर कंट्रीज एज वेल, यू आर सीइंग इन लॉट ऑफ अदर कंट्रीज एज वेल। हंगरी में आप देख लीजिए, ब्राजील में आप देख लीजिए, दैट्स अ टन ऑफ अदर कंट्रीज जो कि ये जो ग्लोबल ऑर्डर का जो अपना डेफिनेशन है लिबरलिज्म का, उसका एक एग्जाम्पल जो हर कंट्री के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है, कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। आई डोंट थिंक अजीत के आगे जाते हुए, आगे बढ़ते हुए, मे बी आई एम रॉन्ग, मेरे को तो मैं आई एम रॉन्ग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन हो सकता है कि आगे जाते हुए दिस इज नॉट एन ऑर्डर जिसको इंडिया की पॉपुलेशन आसानी से एक्सेप्ट कर लेगी। तो जो लोग हैं जो अभी, चलिए यूट्यूब पर व्यूज मिल जाते हैं, पार्लियामेंट में तालियां मिल जाएंगी आपको, बट जो लोग इंडिया को वापस उस ग्लोबल ऑर्डर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछले 60-67 साल तक था इंडिया में, आई डोंट नो किस टू व्हाट लेवल दैट इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन द फ्यूचर। और इंडिया को शायद आगे जाते हुए अपने खुद का एक यू नो दे'ल हैव टू क्रिएट देयर ओन पाथ। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक कि जब हम लोग बीजेपी की बात कर रहे थे कि भाई इंडियन को अक्सर लगता है कि अच्छा इनको नहीं वोट दें तो किसको वोट दें, देर इज अ गैप इन द मार्केट बेसिकली। कि एक आपके पास बीजेपी है जिन्होंने एक तरह से हिंदुत्व वोट्स को मोनोपोलाइज किया हुआ है, और उसके बाद बाकी सारी पार्टीज हैं जो लेफ्टिस्ट वोट्स को काट रही हैं। तो देर इज अ गैप इन द मार्केट हियर फॉर अ पार्टी जो कि अपने खुद के उसूल बना सके, थोड़ा हिंदुत्व एसोसिएटेड भी हो, बट मे बी वुड लाइक टू स्टैंड अप मोर फॉर लॉ एंड ऑर्डर। एक आई थिंक देर इज अ गैप इन द मार्केट, डोंट यू थिंक? बिल्कुल, और आवश्यकता है, आविष्कार की जननी है, ये हम सुनते आ रहे हैं। तो ये अगर मुझे फील हो रहा है, आपको फील हो रहा है, बाकी बहुत सारे लोगों को फील हो रहा है, और वो कई लोग तो हमें ही कहते हैं अजीत जी आप पार्टी लॉन्च कर दो हम आपको वोट देंगे। तो इसका मतलब है कि सीरियसली आदमी को हम मोदी को हम क्यों मोदी की आलोचना करते हैं?
कि जितना फासिस्ट तुम्हें लेफ्ट कहता है, यू आर नॉट, तुम उतना फासिस्ट बन के दिखाओ यार, यू आर नॉट फासिस्ट एनफ, वी वांट फासिज्म फ्रॉम यू। हम चाहते हैं कि उनके जो डेफिनेशन है फासिज्म के, तुम कम से कम वो तो बनो ताकि उनका गाली सही जगह पे तो जाके पड़े। तुम तो उससे यू आर, मतलब आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड पुसी, बट हो तो यही रहा है ना बेसिकली। यू गिव इन, तुम जस्ट गिव अप कर देते हो, या पता नहीं पॉलिसी है क्या है, ये समझ में नहीं आता कि हम कब तक मास्टर स्ट्रोक का इंतजार करें यार। कितने बार आदमी बोला कि नहीं 26 जनवरी को अब बेल आप दिए जाएंगे देखिए, भाई, हाँ, अब ये देखिए अपने एक्सपोज हो चुके उन्होंने हैं, किसानों को अब रस्सी दे दी तांडव है, किसान होगा, अपने आप को लटका देंगे। तांडव भी तो होता है, शाहीन अब बाग, तांडव होगा। शाहीन, हाँ शाहीन बाग जो था वो एक्सीडेंटली क्रिएट हुआ था। मुझे, मेरा एक यूएस का मित्र है जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर था, उसने मुझे बोला था जब सितंबर में वो मुझसे मिला था, बोला था अजीत नवंबर में लार्ज स्केल राइट्स होंगे इस कंट्री में। मुझे लगा ऐसे ही भूल गया ये, कुछ कुछ भी भूल गया, जब नवंबर में नहीं हुए, बट कम दिसंबर और जामिया में 15, 16, 17 दिसंबर 2019 को राइट्स हुए, तो उनका प्लान उसी रायट्स को बहुत बड़ा बनाना था। 2-4 CNG की बसों में आग लगाया था, जिससे पूरा इलाका, अगर वो फट जाता बस, वो बहुत हैवी बम का काम करता। उनका वो पर्पस था। उसके बाद अचानक से जब दिल्ली पुलिस ने एग्जेम्पलरी काम किया और उसको कंटेन किया, तब जाके ये 2-3 बार लात खाए, मार खाए, और उसके बाद फिर एक जगह बैठे और शाहीन बाग तो बन गया। तब जब बन गया तो हमने प्रश्न पूछना शुरू किया कि भाई तुम क्या कर रहे हो इसके बारे में। 5 तारीख को, अगली जनवरी को, जेएनयू का छात्र संघ जो है वहां जामिया वाले जाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, आयशी घोष वाला कांड आप लोगों को याद होगा, उनके पास उधर का स्टूडेंट का था, फिर पुलिस मुख्यालय का घेराव किया जाता है। हम लोग बेटे ब्रेथ के साथ कर रहे हैं कि अब मास्टर स्ट्रोक आएगा, अब एक्सपोज हो गए हैं, दे हैव बीन एक्सपोज्ड एनफ, नहीं होता है कुछ। उसके बाद चलने लगता है, फिर दिल्ली का चुनाव आने वाला रहता है, तब हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि अजीत जी आप नहीं चाहते दिल्ली में भाजपा की सरकार आए, आप उनके साथ अभी खड़े रहिए। हम उनके साथ खड़े रहे, दिल्ली का चुनाव हो जाता है, दिल्ली की सरकार बन जाती है, तुम फिर भी कुछ नहीं कर पाते हो। सुप्रीम कोर्ट का बार बार आ रहा है, इंटरलॉक्यूटर्स हम भेजेंगे, बात कीजिए, ये सेबी का रिपोर्ट आ रहा है, फिकी का रिपोर्ट आ रहा है कि हजारों करोड़ की आर्थिक क्षति प्रतिदिन हो रही है, अपार्ट फ्रॉम द इनकन्वीनियंस दैट लैक्स ऑफ पीपल आर फेसिंग एवरी सिंगल डे, कुछ नहीं होता है। तो ये जो आप बोल रहे हैं ना कि ये कब तक चलेगा और क्या एक नई पार्टी आएगी, आना ही पड़ेगा, ये व्हाट जो एल्स इज है, द ऑप्शन। हाँ वो नेचुरल है, वो प्राकृतिक है कि कांग्रेस के पापों का घड़ा जब भर गया, बीजेपी आएगी। बीजेपी अगर, इफ इट डजेंट मेंड इट्स वेज, तब फिर ये भी चले जाएंगे। हमें हिंदुत्व से और राष्ट्रवाद से मतलब है, हमें भाजपा से मतलब नहीं है। भाजपा इज मींस टू एन एंड, भाजपा इटसेल्फ इज नॉट द एंड। तुम हमारा माध्यम हो, तुम लक्ष्य नहीं हो हमारे। तुम जब तक अपने आप को, जो भी परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड नहीं करते रहोगे, देन समबडी एल्स विल टेक द लीड, यू विल बी डम्प। हाँ, और क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना यार, अनुज के हम अजीत लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा था, ऐसा नहीं है कि इनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नहीं आता है। जो जिस तरह की चीज शाहीन बाग में हुई, दिल्ली में दंगे हुए, उस तरह की चीजें यूपी में भी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ज्यादा दिन चला नहीं। जो किसानों ने किया दिल्ली के बॉर्डर पे, वो सब चीजें यूपी में भी करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चला, और या फिर ज्यादा सीरियस नहीं हुआ, लेट्स पुट इट दिस वे। तो ऐसा नहीं है कि इनको हैंडल करना आता नहीं है। अगर आप यूपी में कर सकते हैं लेकिन आपने दिल्ली में नहीं किया, तो जवाब काफी क्लियर है पब्लिक के लिए कि यूपी में, दिल्ली में हम करना नहीं नहीं चाहते थे। चाहते, क्या रीजन था उसका, यू कैन स्पेकुलेट कि अच्छा चलिए पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं, या फिर मीडिया में ये वॉशिंगटन पोस्ट हमारे बारे में आर्टिकल लिख देगा, या जो भी है, वट एवर इट माइट बी। एक बार आप लोगों को दिखा दोगे कि हम कर सकते हैं लेकिन वी आर चूजिंग नॉट टू डू इट,
तो लोगों को समझ में आ जाता है, लोग बेवकूफ नहीं है थैंकफुली, तो दिखाते नहीं है ये. हाँ माई पॉइंट ऑन दिस इज एट टाइम्स मुझे लगता है कि ये लोग ना पोलराइज करने की कोशिश करते हैं. मुझे क्यों लगता है ऐसा, मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा कि जब हम इस सारे प्रकरण को देखते हैं जो दिल्ली के अंदर हुआ, जैसे अजीत ऑल्सो टोल्ड के पहले वो कहाँ से शुरू हुआ, फिर शाहीन बाग तक पहुंचा, जामिया एंड ऑल, वो सारे इंसिडेंट्स अजीत ने बताए ही हैं, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा. लेकिन जब हम इस पूरे प्रकरण को देखते हैं और जब हम देखते हैं कि दिल्ली चुनाव आ रहा था, अब यहां पर मैं ये बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि भारत के अंदर एक साला कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो चुनावों को पोलराइज नहीं करती है. एवरी वन एंड दैट्स करेक्ट. एवरीबडी वो साला करता है, चाहे वो केजरीवाल जो है ना वो कहता है कि मुसलमान वोट बटना नहीं चाहिए, ऐसा तो कोई भी खुल के नहीं बोलता. ये बीजेपी वाले ऐसे खुल के नहीं बोलते, वो कहता है मुसलमान वोट बटना नहीं चाहिए. हिंदुओं के मन में कोई संशय नहीं है, वो तो वहां वोट दे रहे हैं, आपके मन में है संशय, आपको यहाँ पे वोट देना है. तो एवरीबडी पोलराइज, ठीक है. और वही काम आई थिंक जो मेरा ओपिनियन है इस चीज पे, वो अमित शाह उस समय कर रहे थे. जब अमित शाह की जो रैलीज हैं इधर दिल्ली इलेक्शन से पहले जितने, बिकॉज उस चुनाव में शायद नरेंद्र मोदी ने शायद एक आध रैली कोई की है, अदरवाइज अच्छा. नहीं की. पूरा इलेक्शन जो है अमित शाह ने अपने कंधों पर लिया हुआ था, और 2500 रैली की हैं. कहीं जाट समाज के बीच में जा रहे हैं कि जाट हो तो अपना वो दिखाओ, एंड लोगों से बुलवाते थे कि कौन बैठा है शाहीन बाग में, तो नीचे से कुछ आवाज आ रही है कि गद्दार, नीचे से कुछ आवाज आ रही है मुसलमान, एंड दिस दीज थिंग्स हैपेंड. मैंने ये क्वेश्चन एक्चुअली एक बीजेपी की प्रवक्ता है, नाम नहीं लूंगा, उनसे पूछा भी था, बट ऑन माय चैनल, मैंने चैनल पे ही पूछा था एक इंटरव्यू में. तो उन्होंने वो बात, जैसे वो घुमाते हैं पॉलिटिशियंस, वो घुमा दी उन्होंने बात. बट मैंने एक एक रैली उस समय देखी थी अमित शाह जी की, और उन्होंने हर रैली के अंदर चीजों को पोलराइज करने का प्रयास किया था, विच इज मुझे ऐसा लगता है कि अगर सब कर रहे हैं पोलराइज तो आप भी कर रहे हैं. एंड हमारी ये, अब चलो इसे बदकिस्मती कह लो कि हमें इस तरीके के चुनाव लड़ने की एक आदत सी हो गई है कि हमारे देश में चुनाव बिना पोलराइजेशन के साला होता ही नहीं. चाहे आपके पास काम गिनाने को 50 हो है, मैं आपको ये चीज लिख के दे सकता हूं कि जो सोशल स्कीम्स हैं इस गवर्नमेंट ने जैसे इंप्लीमेंट की हैं, ऐतिहासिक स्तर पे आप वैश्विक पटल पर भी जाकर शायद ऐसी इंप्लीमेंटेशन नहीं देख पाओगे. मैंने कई जगह को ढूंढने का प्रयास किया, मनसा मूसा के टाइम से, मैंने कहा साला कुछ तो मिले, ऐसा इंप्लीमेंटेशन इतने बड़े स्केल पे नहीं किया किसी ने. तो इनके पास काम गिनाने को बहुत है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, बट इंटरनल पॉलिटिक्स देश के अंदर, बाहर भी चलो आपने थोड़ा बहुत ठीक संभाला है, देश के अंदर जो गंदगी है उसमें इतना बड़ा फेलियर है. अब उसका रीजन ये है कि आप पोलराइज करना चाहते हो, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट मुझे ऐसा लगता है कि एट टाइम्स पोलराइजेशन का प्रयास होता है और टोटल कोलैप्स है. चाहे आप किसी, अब जब हम कांग्रेस की गवर्नमेंट देखते हैं, जो लास्ट कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है यूपीए की, उसमें कई प्रोटेस्ट हुए थे बड़े बड़े, जैसे कि अन्ना आंदोलन था, फिर जो रामदेव जी हैं बाबा रामदेव, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा आंदोलन उस समय किया हुआ था. अन्ना आंदोलन फेमस ज्यादा हुआ था बिकॉज मीडिया उसमें बहुत इन्वॉल्व हो गई थी. बाबा रामदेव के जो आंदोलन से मैं पर्सनली भी उस समय कुछ जुड़ा था, वो जो भी उन्होंने कहा कि हम नई पार्टी बनाएंगे, इन चुनाव लड़ेंगे एंड ऑल, ये मैं उसमें जुड़ा था कुछ, मैं गांवों के अंदर गया था, लोगों से बात करने गया था उस समय. उस समय उन आंदोलनों का परिणाम ये हुआ था कि कांग्रेस की जो सरकार थी उससे लोग परेशान वैसे ही थे, आंदोलनों की वजह से उसकी इतनी बुरी स्थिति हो गई थी. मुझे लगता है इनकी भी यही स्ट्रैटेजी है, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो आंदोलन पे आंदोलन हुए जा रहे हैं इस समय. अभी सीए खत्म नहीं हुआ था, साला किसान बिठा दिए, अब तुम कुछ और लाके बिठा दोगे, मजदूर लाके बिठा दोगे प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, जबकि एक ये भी एक अच्छा डिस्कशन का विषय है प्राइवेटाइजेशन जो है. तुम कल को आप मजदूर लाके बिठा दोगे, तो ऑपोजिशन की ये स्ट्रैटेजी मुझे लगती है. बट कहीं ना कहीं मोदी की जो स्कीम्स हैं वो उन्होंने ग्राउंड पे काम किया है, लोग उनके अभी साथ हैं. एंड जो प्रोटेस्ट वाला पॉइंट है, इनको ऐसा लगता है कि हम पोलराइज कर पा रहे हैं तो होने दो, उसका हमें चुनाव में फायदा ही मिलता है. तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल इसमें मैंने जो मैंने नोट किया दिल्ली हाँ इलेक्शन से पहले,
वो यही था। नहीं, आई डू अग्री विद यू। एंड एक और चीज आई थिंक इसमें मेंशन करनी जरूरी है, जो तुमने भी की थी अर्लियर अनुज, के यू नो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं और जितने मीडिया हाउसेस भी हैं, वो जब भी इलेक्शंस की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, अभी आप यूपी को देख लो, यूपी में जब ये लोग पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं कि वोटिंग कैसे होगी, कौन किसको वोट करेगा, हिंदू कम्युनिटी के बारे में लोग बात करते हैं कि जाट इधर वोट देगा, यादव इधर वोट देगा, ब्राह्मण इधर वोट देगा, ये उधर वोट देगा, तो हिंदू कम्युनिटी हमेशा बटी रहनी चाहिए, बिल्कुल ना। लेकिन जब भी ये लोग मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं, तो ये लोग ये नहीं बोलते सैयद इधर वोट देगा, ये जोल्हा मुस्लिम इधर वोट देगा, ये इधर वोट देगा, नहीं, मुस्लिम मुस्लिम ही होता है हमेशा, बिल्कुल, मुस्लिम कम्युनिटी इज ऑलवेज मुस्लिम, हिंदू कम्युनिटी इज ऑलवेज दलित ये आपको यादव, ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो बिल्कुल टू अ सर्टेन एक्सटेंट दैट जो पोलराइजेशन भी चलिए मान लीजिए हो रही है, उससे आप इलेक्शन रिजल्ट्स में ही, इलेक्शन के डेटा भी अगर देखिएगा, उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक पैन, एक इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, एक लेवल ऑफ कास्ट को छोड़कर भी एक हिंदुत्व के नाम पर जो हिंदूज हैं वो वोट कर रहे हैं, दैट इज अनडाउटेडली अनक्वेश्चनिंगली अ पॉजिटिव थिंग, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट और आगे भी बढ़ती रहनी चाहिए। तो उस मामले में आई डेफिनेटली अप्रिशिएट बीजेपी, इसलिए मैं जाके वोट देता हूँ उनको यार। बट एट द सेम टाइम आई थिंक ये जो पोलराइजेशन का ये जो तरीका है, इट विल ओनली लास्ट फॉर सो लॉन्ग, एक लेवल के बाद चलिए पब्लिक माफ कर देगी एक लेवल तक, बट जैसा अजीत कह रहा था कि एक लेवल के बाद आई डोंट थिंक द पब्लिक विल बी विलिंग टू पुट अप विद इट, क्योंकि फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय पे जिस तरह से गवर्नमेंट ने बिहेव किया है, आई थिंक बहुत लोग चिढ़ गए थे उससे, चिढ़ गए। मैं पोलराइजेशन को लेकर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पोलराइजेशन अब 20 साल पहले जिस तरह से किया जाता था उस तरह से नहीं होता है पोलराइजेशन, चूंकि अब टेक्नोलॉजी बदल गई है, सोशल मीडिया आ गया है, तो अब क्या हो रहा है ना कि एट अ सर्टेन एक्सटेंट, चाहे अमित शाह का थिंकिंग प्रोसेस हो या नरेंद्र मोदी का या भाजपा नेतृत्व का, उनका सोचना इस बात पे सही रहता है कि लेट इट हैपन। तो जो पोलराइजेशन उधर से होता है ना, तो रिवर्स पोलराइजेशन हिंदुओं में होता है, दे नीड नॉट स्पीक अबाउट, इसका लाभ हमें मिलता है, बिल्कुल। आप इनको इतना ज्यादा इन पे फोकस डाल दो ना कि देखो पोलराइजेशन कर रहा है, पोलराइजेशन कर रहा है। 2019 में इन्होंने अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में, भाजपा ने राम मंदिर की बात नहीं लिखी थी। तब मुझे याद है कि पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम इस बात के लिए पीछे पड़ गया था इनके कि राम मंदिर क्यों नहीं लिखा है, क्या आपने उस मुद्दे को त्याग दिया, छोड़ दिया। भाजपा ने उसको सोचा कि इस पे बात नहीं करना है हमें, तब उसे याद कि तुम बात करोगे तब तो मुसलमान में हम वो फेयर साइकोसिस क्रिएट करेंगे, तब तो हम जाके उनको बोलेंगे कि देखो हिंदू जो है, मतलब क्योंकि इनका 2014 में जो इन्होंने बोला था कि मोदी आएगा तो तलवारें जो है लेके हिंदू चलेगा सड़कों पे, वो तो फेल हो गया। मोदी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स, और 2019 में कोई पोलराइजेशन नहीं, कुछ नहीं। शेखर गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अपने गिरोह के साथ, और उसमें वो बोल रहा था कि हम लोग ऑफिस में बैठ के ये कह रहे थे कि हाँ ये हो रहा है, मुस्लिम डरा हुआ है, सब ये हो जाएगा, कंसोलिडेट हो जाएगा वोट, बट हमने ये नहीं देखा कि लोगों के घरों में सिलेंडर आया है, लोगों के घर में बिजली चल रही है, तो उस कारण से। और लोगों पे, और वही काम देखेगा इस बार भी योगी के उसमें होगा कि पोलराइजेशन का एक फैक्टर, एक तो रिवर्स पोलराइजेशन रहता है जो मुसलमान कर रहा है या किसान उधर करने की कोशिश कर रहा है, और जब कहा जाता है कि हिंदू बिखरा हुआ है, इस बात से हिंदुओं को फर्क पड़ता है, और तब जो बाउंड्री लाइन पे लोग बैठे होते हैं दे कम टुगेदर। और दूसरा जो है पोलराइजेशन विकास के कारण हो रहा है, क्योंकि 70 सालों तक विकास को लेके इस देश में पोलराइजेशन नहीं हुआ था, क्योंकि विकास था ही नहीं विकास अपनी गति से हो रहा था और वो इतना स्लो था। देयर इज नो ब्लडी एक्सक्यूज फॉर अ नेशन लाइक आर्स टू नॉट हैव रोड्स, राइट? रोड क्यों नहीं है यार गांव में? गांव तो छोड़ो, टॉयलेट भी नहीं आप बना सकते हैं, इतना भी नहीं कि आप टॉयलेट बना दीजिए। तुम बिहार से हो अजीत, तुमको पता है शायद ये बात कि एक समय हुआ करता था जब हम लोग गांव वाँव जाते थे गाड़ी लेके, शाम में अगर हम गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि सड़क के एज पर कभी कभी बेचारी औरतें बैठी रहती थी, उनके फेस पे गाड़ी की लाइट जाती थी तो ऐसे फेस कवर करती थी,
कैसा लगता है दिल में यार आदमी को वो देखकर? शाम में वो देखते थे और सुबह में जाएंगे दोनों तरफ विष्ठा की कतार कतार लगी है ना, ये हमने देखा। और हम लोटा लेके खेतों में बांस के झुरमुटों में हम स्वयं जाते थे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं था बाथरूम इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होना है चाहिए। नो बडी ब्लडी थॉट अबाउट इट बिफोर मोदी, ये एक बेसिक नेसेसिटी है, ये लग्जरी नहीं है। और जब मोदी स्वच्छता अभियान लेके आते हैं, जब मोदी टॉयलेट की बात करते हैं, तब मॉक किया जाता है, ट्रिवियल इशू पे बात कर रहा है, चाय वाला है, चाय वाले की ही तरह बात करे। चाय वाला है, उसने वो जीवन जिया है, इसलिए उसे फिक्र है कि एक आम आदमी के जीवन में कुछ आधारभूत चीजों का होना कितना आवश्यक है। तुम सिर्फ ये कह के छाती नहीं पीट सकते कि 55% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज यंग। अबे यंग सिर्फ एड्स है, व्हाट अबाउट द ब्लडी क्वालिटी ऑफ दैट पॉपुलेशन? 13 लाख बच्चे तुम्हारे कुपोषण से हर साल मरते थे, चमकी बुखार कभी आता है, जापानीज इंसेफलाइटिस आता है, 75 तरह की चीजें हैं, टीकाकरण तुम्हारा ठीक से नहीं होता है। इन सारी चीजों को अगर मोदी प्रायोरिटाइज करता है, बिकॉज बीजेपी ऑलवेज फंडामेंटली हैड अ लॉन्गर गोल टू अचीव, वो लॉन्ग मतलब होता है ना स्टॉक में कि आप शॉर्ट के लिए कुछ रखते हैं, कुछ मीडियम टर्म के लिए कुछ लॉन्ग। भाजपा हमेशा लॉन्ग टर्म से चलते हैं, इसलिए भाजपा का फोकस हमेशा परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने पर रहता है। और परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की स्थिति इसलिए आती है बिकॉज इट वॉज ब्लडी नॉन एग्जिस्टेंट, वो था ही नहीं, नहीं। इसलिए कोई बना रहा है तो तुम्हें समस्या नहीं होनी चाहिए। ये एक 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 वो कल्चरल चेंज जो है, आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज टू हाईलाइट। आई थिंक फाइनली अपना आज का वीडियो खत्म करने के पहले आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट कि कुछ एक कल्चरल चेंजेस हैं जो एक टाइम पे इंडिया में सीरियसली, सही कह रहा हूँ अजीत, के नॉन एग्जिस्टेंट थे यार, था ही नहीं ये बात सोचना कि अच्छा इंडिया में गंदगी है तो गंदगी है। मेरे साउथ दिल्ली के इस इलाके में जहां बरिस्टा है, जहां पर मैं बैठ के ओबामा के इलेक्शन के बारे में बात करता हूं, वहां पर गंदगी नहीं होनी चाहिए बस, बट बाकी जगह आई डोंट रियली केयर। बट प्रॉब्लम ये है कि दैट 90% ऑफ इंडिया वो बाकी इंडिया में रहता है। आप भले ही अपने साउथ दिल्ली के साउथ बॉम्बे के बरिस्टा में चिलैक्स कर रहे हैं, हैशटैग नॉट माई प्रेसिडेंट के नारे लगा रहे हैं आप ट्रंप के बारे में, लेकिन that is a very small fraction of India, you know, that is not India. BJP ka fayda ye hai ki wo log India ke bare mein sochte hain, wo log South Delhi, North Delhi ke bare mein tension hi nahi lete, unko tension hi nahi hai unki, aapko jo karna hai karo. So I think that does make a very big difference. And aaj ka podcast khatam karne ke pehle I would say the same thing, aap logo ko agar kuch add karna hoga to finally add karna Anuj aur Ajit, but I would add the same thing ki yaar dekhiye, हम लोग जिस तरह से आज के पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं उस तरह से बहुत सारे लोग कर नहीं पाते हैं, स्पेशली लोग जिनको जो या तो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर या स्पेसिफिक बिजनेसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं अपना काम धंधा चलाने के लिए, हम लोग नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो कर पाते हैं, और मैं समझता हूँ ये बात, एटलीस्ट कॉमेंट्स में देख के मैं ये समझता हूँ कि आप लोग अप्रिशिएट करते हैं के अजीत, अनुज, मैं एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट, हम लोग खुली तरीके से बात बोलते हैं, कुछ अपना किसी चीज को बोलने से हम लोग पीछे नहीं हटते एटलीस्ट। तो इफ यू वांट अस टू कंटिन्यू डूइंग दैट, मेक श्योर कि आप इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स को, जो हम तीन हैं और भी हैं, जो जैसा कि मैंने कहा, कार्टूनिस्ट हो, ब्लॉग ऑथर हो, कोई भी हो यार, सपोर्ट कीजिए उनको, सेट असाइड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सम एवरी मंथ, और बोलिए कि यार जो लोग हमारा मैसेज आगे बढ़ा रहे हैं उन लोगों को एक एक लेवल तक, सक्सेस तक पहुंचाना जरूरी है। तो आज का एपिसोड खत्म करने के पहले अजीत और अनुज, कुछ उसमें ऐड करना है तो बताइए। बस मैं तो इसमें यही कहना चाहूंगा कि विदाउट जिसे जैसे हम बोलते हैं ना कि धर्म के लिए भी अर्थ का सहारा, आपको धर्मस्य मूलम अर्थ ना, तो ये तो विदाउट दिस सपोर्ट वी आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव, दैट इज फॉर श्योर। तो चाहे वो आप, अब जैसे मैं आपको सच्चाई बताऊं कि जब हमने डॉक्यूमेंट्री के लिए फंड रेजिंग की थी तो इसमें बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया था, कोई 10 रुपए कर रहा है, कोई 50 रुपए कर रहा है, इस तरीके के छोटे छोटे जो सपोर्ट थे
उसने भी इसको इतना बल दिया कि बहुत जल्दी हमारा जो फंड था वो इकट्ठा हो गया। तो जितना भी जो सक्षम है उस मात्रा में वो सपोर्ट कर सकता है, और छोटे से छोटा सपोर्ट भी बहुत मायने रखता है। और मैं वही जो आप अभी कह रहे थे कि ऐसे इंडिपेंडेंट वॉइसेस होने चाहिए, होने इन द सेंस कि एटलीस्ट इट विल क्लियर कॉन्शियंस, उसको जीवित रखता है, हमारा तो जीवित रहता है, बिकॉज हम या आप या आप, हम पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। ये बात हमें मानना होगा। हम अगर एक तरह से नैरेटिव वॉरियर कह लें अपने आप को, या पॉलिटिकल कमेंटेटर कह लें, या जो भी हमारी मतलब तुच्छ जीवन में जितनी भी सीमित जानकारियां हैं हमारे पास, या फिर मेरी मेरी मदर जो कहती हैं, मेरी मदर कहती हैं अनएम्प्लॉयड, दैट इज व्हाट शी कॉल्स मी, कहती हैं कि असली नौकरी ढूंढना चाहिए। तो इन लोगों का होना आवश्यक है, और ये लोग इसलिए आवश्यक हैं, नहीं तो सब लोग एक तरह सोचने लगोगे। मूलतः अलग अलग विचारधाराएं या विचारों के लोग, विचारधारा तो हमारी एक है, हम जानते हैं हमारा राष्ट्रवादी विचारधारा है, राइट है, लेफ्ट है, हम रायता है, ट्रेड है, आई डोंट गिव अ शिट। मेरी विचारधारा मेरे राष्ट्र को लेकर समर्पित है, मेरी विचारधारा मेरे धर्म को लेकर समर्पित है, जितना भी कम या अधिक मैं अपने धर्म या राष्ट्र के बारे में जानता हूँ, कम से कम इतना मैं जानता हूँ कि आई कैन आइडेंटिफाई बिटवीन हु इज द एनिमी एंड हु इज द फ्रेंड। और उसके लिए इफ आई हैव टू स्पीक अगेंस्ट अ सर्टेन पर्सन हु यू रेवर एंड एडमायर, आई विल नॉट होल्ड बैक। मैं इसलिए होल्ड बैक नहीं करूंगा क्योंकि मेरी अपने व्यूअर्स से या आप लोगों में से 95% 99% तो सपोर्ट करते हो ना, इसीलिए तो देखते हो, बिकॉज आई और यू मेक सेंस टू देम व्हाटएवर वी स्पीक। तो मैं 1% के लिए जो करता है, वो मोदी ने पैसे देने साले छोड़ दिए तो यूपीआई तुमने लगा दिया। तुम मत दो यार, तुम मत दो, तुम रखो अपने पैसे। मोदी हमें पैसे दे रहा होता ना तो हमें नीचे वो स्ट्रिप डालने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जो भी है सपोर्ट, आप जिस भी चैनल को देखते हैं सपोर्ट, आप जैसे मेरी किताब है तो उसको भी खरीद के मुझे कर सकते हैं, सैम का शो है या अनुज है, जो भी हम लोग इस तरह के एंडेवर्स करते हैं, यू ऑट टू, आप उनको मदद कीजिए, वहां तक जाइए। आप 10 रुपया दो ना यार, 5 लाख 15 लाख लोग हो, 10-10 रुपया दोगे 1.5 करोड़ हो जाएगा। तो सही उस हिसाब से तुम सोचो, 1-1 रुपया दोगे तो यार 15 लाख हो जाएगा। तो उस हिसाब से सोचो। हाँ बिल्कुल सही बात है। एंड अगेन मैं लोगों को बोलूंगा आज का एपिसोड खत्म करने के पहले कि अजीत की किताब निकल कर आने वाली है 6 मार्च को। अगर आप उस किताब को प्री बुक करना चाहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ वो लिंक पे क्लिक करिए इस एपिसोड के बाद और किताब को जाकर प्री बुक कीजिए, पढ़िए, सपोर्ट कीजिए लोगों को। लोग इस तरह का स्कॉलरशिप क्रिएट कर रहे हैं, चाहे व्यंग्य ही हो, व्यंग्य भी एक तरह का स्कॉलरशिप होता है, जो स्कॉलरशिप लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। तो जाइए सपोर्ट कीजिए, आप जानते ही हैं एके टीके को, आप एके आज की ताजा खबर चैनल पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं, अजीत को आप डो पॉलिटिक्स पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। प्लीज आप मोस्ट लाइकली सब्सक्राइब ऑलरेडी करते ही, अगर नहीं करते हैं तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल वगैरह सब चीज दबाइए और इनके चैनल के मेंबर बनिए और इनको जाकर सपोर्ट कीजिए। अदरवाइज गाइज आज का मेड इन चाइना अर्थ फेस्टिवल ज्वाइन करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। पालिका बाजार वर्जन, पालिका बाजार वर्जन। तो होपफुली रेगुलरली हम लोग इस तरह के बातचीत ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि मैं एंजॉय करता हूं और हमारी ऑडियंस भी बहुत एंजॉय करती है, तो होपफुली वी कैन डू मोर ऑफ दीज रेगुलरली इन द फ्यूचर। अदर देन दैट थैंक यू वेरी मच। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में गालियां दो, एल्गोरिदम की भी मदद होती है। एंड बिकम अ मेंबर एंड बिकम अ पेट्रन। वी विल सी यू फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, फिर मिलेंगे। राम राम।